पिछले 24 घंटों में चंडीगढ़ के तीन मंदिरों में एक जैसी चोरी होने का मामला सामने आया है। सबसे पहले सेक्टर 19 के सीताराम मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया, पर पुजारी की समझदारी से वह असली आभूषणों की जगह नकली आभूषण ले जाने में ही सफल हुए। पर बीती रात को सेक्टर 27 के सनातन धर्म मंदिर और जैन मंदिर दोनों में चोरों ने हमला बोल दिया और वहां से लाखों रुपए की चांदी के 5 मुकुट, एक चांदी का शेषनाग और 12 किलो वजन का चांदी का एक छत्र ले जाने में सफल हो गए। चोरों की सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, पर बाद में पता चलने पर चोरों ने सीसीटीवी का मुंह ऊपर की तरफ कर दिया। सनातन धर्म मंदिर के जनरल सेक्रेटरी संजीव शर्मा ने बताया कि आधी रात को 1:41 पर चोर मंदिर के दरवाजे का शीशा उतार कर अंदर दाखिल हुए और दोनों पर मूर्तियों से 5 चांदी के मुकुट और शिवलिंग से चांदी के परत और चांदी का शेषनाग और त्रिशूल अपने औजार से उखाड़ कर ले गए। उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी करने मंदिर के अंदर 3 व्यक्ति आए, जबकि एक व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा रहा। मैं सनातन धर्म मंदिर सभा सेक्टर 27 का जनरल सेक्रेटरी संजीव शर्मा हूँ। मेरे साथ मंदिर सभा के प्रधान श्री हरभूषण गुलाटी बैठे हैं। तो कल रात को 1:40 पे जो ये चोरी की वारदात हुई है, तो वो जो हमारे सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो हमारी फुटेज आई है इनकी, तो वो ये 4 लोगों ने ये चोरी की है, जिसमें से 3 लोग अंदर थे, 1 लोग पहरा बार दे रहा था। 1:41 पे वो मंदिर के अंदर उन्होंने एंटर किया प्रीमिसेस में, और 2:09:42 पे वो यहाँ से चोरी करके निकले हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सबसे पहले मंदिर का जो एक शीशा जो है, दीवार का शीशा उतार कर दरवाजे का, उससे वहाँ से उन्होंने अंदर एंट्री की है। वहाँ से वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ के मंदिर के बालकनी से वहाँ से वो कूदा एक आदमी, और आकर उसने नीचे उतर के फिर दरवाजा खोला और दूसरे आदमी को भी अंदर एंटर किया। फिर उन्होंने भगवान शिव के मंदिर के ताले तोड़े और वहाँ पे जो भगवान शिवलिंग की जो चांदी लगी हुई थी, वो सारी चांदी उन्होंने हथियारों से अपने औजारों से उसको उखाड़ा। उसके बाद फिर वो भगवान राधा कृष्ण जी के मुकुट उन्होंने उतारे, वो भी चांदी के थे। फिर भगवान राम परिवार के मुकुट जो थे वो भी उन्होंने चांदी के, वो भी उतारे। तो ये 10 किलो के करीब जो चांदी भगवान परिवार में और सब में ये लगी हुई थी, ये सारा वो चोरी करके यहाँ से 2:09 में आधे घंटे में ये सारी चोरी की वारदात करके निकला। सनातन धर्म मंदिर में चोरी करने के तुरंत बाद ही यही चोर सनातन धर्म मंदिर के सामने स्थित जैन मंदिर से तकरीबन 12 किलो का चांदी का छत्र उतार कर ले गए, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। जैन मंदिर के ट्रस्टी संतराम ने बताया कि रात को 2:20 पर उनके चौकीदार ने कुछ खटपट की आवाज सुनी, तो उसने बाकी लोगों को उठाया। तब तक 2:26 पर यह लोग भाग गए। इनके भागते हुए की तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की, पर चोरों का कुछ नहीं पता चला। ये आज रात हुई है जी, रात हुई है जी, तो पता चला ऐसे कि 2:20 पे हमारा जो चौकीदार है वो बाथरूम गया। जैसे वो बाहर आया तो उसको लगा कि कुछ आहट हो रही है, तो जब उधर गया वो प्रतिमा जी के पीछे, उधर से जो उसको आहट लगी, जब वो उधर गया तो उसको लगा कि 2 आदमी भाग रहे हैं, उनके पीछे वो भागा। अंदर आके उसने जो और कर्मचारी सो रहे थे उनको उठाया, तो सामने वो पार्क से लगा कि वो उधर से जा रहे हैं भागते हुए, वो उनके पीछे भागा कर्मचारी हमारा, तब तक वो क्रॉस कर चुके थे। फिर उसने 100 नंबर पे फ़ोन किया, हमें फ़ोन किया, तो हमने आके अपने कैमरे में देखा है, तो कैमरे में 2:21 पे 2 आदमी, 2:21 पे 2 आदमी इधर पार्क से आ रहे हैं इधर की साइड में, और 2:26 पे वो वापसी गए हैं। मतलब 5 मिनट के अंदर उन्होंने अंदर आके ताला भी तोड़ लिया और छतर तोड़ के लेके भाग गए। रात को हमें इतला मिली थी कि 27 में जो महावीर जैन मंदिर है वहाँ और SD मंदिर में, दोनों जगह पर चोरी हुई है। महावीर जैन मंदिर में श्री महावीर जैन के ऊपर जो छतर था वो सिल्वर का बना हुआ था, वो चोरी हुआ है। और SD मंदिर में जो अंदर मूर्तियां लगी हुई थी उनके जो मुकुट थे वो चोरी हुए हैं। अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि SD मंदिर में कम से कम 3 चोर थे, वो घुसे थे,
उन्होंने फेस कवर कर रखा था, हाथों में ग्लव्स डाल रखे थे, कैप डाल रखी थी और उनके पास एक लोहे का 3 से 4 फीट का एक रोड थी, स्टील रोड थी, लोहे की रोड थी, जिससे उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है। और सीसीटीवी कैमरास थे, उनको उन्होंने उनकी डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दी थी ताकि उनकी फुटेज कैप्चर ना हो। तो इससे कोई हेल्प मिल पाएगी या नहीं? नहीं देखो, बिल्कुल मिलती है। जो भी कुछ हमें पता है आज SD मंदिर में जो हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, वो सीसीटीवी फुटेज की वजह से ही, जो 3 लोगों की डिस्क्रिप्शन आई है उनकी, हम वी कैन आइडेंटिफाई देयर एज, उनकी जो कद काठी है वो पता लग रहा है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं वो पता लग रहा है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं वो पता लग रहा है, कैसे कंसील किया अपने आप को वो पता लग रहा है। ट्राई सिटी के अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।